दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको अपडेट देने वाला हूं कंगवा मूवी से रिलेटेड। आपको पता होगा ये जो मूवी है कंगवा, ये 10 अक्टूबर 2024 को आने वाली थी, लेकिन ये जो मूवी है अब 10 अक्टूबर 2024 को नहीं आएगी क्योंकि ये मूवी पोस्टपोन हो चुकी है। और ये मूवी क्यों पोस्टपोन हुई, क्या रीजन था, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता होगा साउथ के बहुत बड़े एक्टर सूर्या और बॉबी देओल के ये मूवी होने वाली थी, लेकिन ये मूवी अब 10 अक्टूबर को नहीं आएगी। अगला रिलीजिंग डेट क्या होने वाला है आज के इस वीडियो में देखेंगे। आप अगर कंगवा के फैन बेस हैं तो आप इस वीडियो को तक जोड़ देखेगा, स्पेशली सूर्या के फैन है तो। सूर्या हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पहुंचे हुए थे अपने भाई कार्तिक की अपकमिंग मूवी के ऑडियो लॉन्चिंग में। वहीं पे उन्होंने ये रिवील किया है कि कंगवा का रिलीजिंग डेट पोस्टपोन हो चुका है, 10 अक्टूबर 2024 को ये मूवी अब नहीं आएगी। अगला रिलीजिंग डेट इसका और कुछ होने वाला है जो कि अभी अपडेट नहीं किया गया है कि क्या होने वाला है, लेकिन ये मैंने खुद सूर्या ने ही बोला है जो इस मूवी के मेन लीड रोल में हमें नजर आने वाले हैं कंगवा के। उसने खुद ही बोला है कि ये मूवी जो कंगवा है ये अब 10 अक्टूबर को नहीं, अब इसका रिलीज डेट कुछ और हो सकता है। कंगवा का पोस्टपोन होने का एक ही रीजन है क्योंकि रजनीकांत की मूवी विद्यान रिलीज होने वाली है सेम डेट यानी कि 10 अक्टूबर 2024 को। तो इसी वजह से सूर्या ने बोला कि ये हमारे जो साउथ इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर हैं रजनीकांत, इसीलिए इनके सम्मान में उन्होंने खुद ही इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया। अब अगला जो रिलीज डेट है कंगवा का ये कब आने वाला है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि साउथ एक्टर जो साउथ इंडस्ट्री में पहली बार एक दूसरे के साथ कोई मतलब बड़े बड़े एक्टर भिड़ने वाले थे, कलेश होने वाला था मूवी, ये पहली बार हो रहा था हिस्ट्री में, लेकिन ये मतलब रोक दिए जो सूर्या, वो बोले कि नहीं पहले रजनीकांत की मूवी रिलीज होगी उसके बाद कंगवा आएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है साउथ इंडस्ट्री के लिए, ऐसा बॉलीवुड में नहीं होता, बॉलीवुड में कोई रुकने वाला नहीं था, यही फर्क है बॉलीवुड और साउथ में। ये जो मूवी है रजनीकांत की विट्यान, इसका मतलब होता है द हंटर, इस मूवी का मतलब है द हंटर। और ये मूवी जो होने वाली है एडवेंचर टाइप मूवी होने वाली है क्योंकि हंटर इस मूवी का नाम है तो एडवेंचर तो होगी ही। इसके डायरेक्टर टीजी जन्नावल है और इसका रिलीजिंग डेट 10 अक्टूबर जैसा कि मैंने अभी अभी आपको कहा। इसके स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन और दुसारा विज्ञान और फहाद फसली नजर आने वाले हैं और रजनीकांत खुद भी नजर आने वाले हैं। तो रजनीकांत की मूवी जो विट्यान है इसको हरी झंडी मिल गई है, ये 10 अक्टूबर 2024 को आएगी, लेकिन कंगवा अब नहीं आएगी, इसका डेट पोस्टपोन हो चुका है। 10 अक्टूबर को कंगवा नहीं आने वाली है और सूर्या ने यह खुद बोला है, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल करके देख सकते हैं। जैसे ही इसका अगली रिलीज डेट आती है कंगवा का मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये जो मूवी है कंगवा पोस्टपोन हो चुकी है। दोस्तों अपना कमेंट मुझे करके बताइएगा कि आपका क्या राय है इससे मूवी से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे।